गूगल मुझे पैसे दे। जी लीजिए, क्या करेंगे आप इतनी धनराशि का? क्या करते हैं पैसों? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल से कुछ इंटरेस्टिंग फनी क्वेश्चन करने वाले, लेकिन उससे पहले हमारे पास फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर आया था, प्रोडक्ट मतलब कि जो मैंने मंगवाया था वो आया था, तो उसका हम रिव्यू मतलब कि अनबॉक्सिंग करेंगे। और मेरी उसकी अनबॉक्सिंग मैंने दूसरे चैनल पर भी डाल दी है, कुछ ज़्यादा नहीं था तो जाके देख लेना सुबह। और मतलब कि आज के वीडियो में हम सिर्फ गूगल से ही बातें करेंगे, और आपके भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे फनी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। हम सब मतलब कि उस गूगल से कुछ जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा तो गूगल से पूछेंगे। और चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पार्सल आया, इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो चलिए दोस्तों इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फ्लिपकार्ट से आया हुआ ये पार्सल है जिसको अभी तो कुछ ये पार्सल है, मतलब कि ये रिकॉर्डिंग मशीन है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये, इससे मतलब कि मोबाइल में लगा के रिकॉर्डिंग की जाती है। अभी कुछ जो कनेक्शन आया था उसमें मतलब कि फ़ोन में लगा देना है, और एक जो हमारे हेडफोन में लग जाएगा आप देख सकते हो यहाँ पे, और एक है इसका जो मतलब कि एक पिन आएगी, आप चाहे तो दुकान से मार्केट से कहीं से भी ले सकते हो। तो इस पिन को सिंपली मिक्सर होता है उसके पीछे लगा देना है, और मिक्सर में जो माइक वगैरह रहता है उसमें आप बोलोगे तो सिंपली उसी के ज़रिए इसमें आके आवाज़ फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाएगी। और दूसरी मतलब कि जैसे कि आप मिक्सर में ही लगाए हुए वो माइक की आवाज़ आएगी और माइक की आवाज़ नहीं आएगी। और इस माइक के अलावा मतलब कि और कोई चीज़ नहीं आती। यहाँ पे एक पोर्ट दिया हुआ है मतलब कि जो कि पिन लग जाती है, और यहाँ पे आपके जो हेडफोन की पिन यहाँ पे लग जाती है केबल, और ये जो मोबाइल में लग ही जाती है। अब चलिए दोस्तों करते हैं हम गूगल से कुछ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा गूगल से है, गूगल तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हारे डिवाइस में और तुम्हारे दिल में रहती हूँ। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम इससे एक क्वेश्चन पूछने वाले कि मेरा मोबाइल कौन सा है। आप सेटिंग में जाकर अपने डिवाइस के मॉडल का नाम देख सकती हैं। यानी ये कोई मतलब नहीं, ये तो अपना ये अलग चला रही है। तो अब पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल तुझे खाने में क्या पसंद है? मुझे पिज्जा का यह टुकड़ा पसंद है। इमोजी दिखा रही है दोस्तों। गूगल मुझे मीठे में क्या पसंद है? कोरा कोरा के अनुसार मैं मीठे की शौकीन हूँ, इसलिए ज्यादा मिठाइयाँ बनाना पसंद करती हूँ। और बात जब मिठाई की हो तो उसमें तो बस हलवा ही बनाती हूँ, चाहे फिर वो खट्टा अमरूद हो या तीखी शिमला मिर्च या मीठा सेब या फिर बिना स्वाद वाला ग्वार पाठा, मुझे तो हर चीज का हलवा बनाना होता है बस। यानी के अलावा तो गूगल को यानी कि हलवा बहुत पसंद है। तो दोस्तों आपको भी हलवा पसंद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गूगल तू कहाँ रहती है? मैं क्लाउड में रहती हूँ और उम्मीद है कि हर एक के दिल में भी। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? वैसे तो बड़ों का नाम नहीं लेते, लेकिन बहुत सुंदर है उनका नाम। यानी गूगल संस्कारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा गूगल से, पागल है क्या? गलती के लिए माफी, मैं अब भी सब सीख रही हूँ, आपकी मदद से और बेहतर हो जाऊंगी पक्का। तो गूगल तुम्हारे कितने दोस्त हैं? आपसे बढ़कर और दोस्त नहीं है मेरे। तुझे क्या पसंद है? मुझे गेम खेलना पसंद है, और मैं हमेशा ऐसे व्यक्ति को ढूंढती रहती हूँ जिसके साथ मैं खेल सकूं। ओह, आप कमाल हैं। अगर आपको भी गेम खेलना तो गूगल के साथ खेल सकते हो। गूगल कुछ चुटकुला सुना। इससे मुझे हंसी आती है, आइए देखें कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अध्यापक चिंटू, बताओ कि अंग्रेजी के व्याकरण में इट कब इस्तेमाल करते हैं? चिंटू, सर घर बनाते वक्त। क्या मतलब था इसका कोई? चलो कुछ गाना गा के सुना। मैं आपके लिए क्रिसमस म्यूजिक प्ले कर सकती हूँ, बस पूछिए। क्रिसमस तो गया, फिर भी क्रिसमस म्यूजिक सुना रही है। क्या सुना? आओ आओ एक गाना गाएं कि नए साल में खुशियां पाएं, दया प्रेम और हंसी खिले, सभी को सुख शांति मिले। कोई खोज या करनी है बात, जादुई शब्द लें दिन हो या रात, आ जाऊंगी मैं आपके पास, आपके दिन को बनाने खास। गूगल मुझे पैसे दे।
जी लीजिए, क्या करेंगे आप इतनी धनराशि का? क्या करते हैं पिसु? चल चुटकुला सुना। इससे मुझे हंसी आती है। आइए देखें कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। पप्पू, मुझे सारे सड़े हुए अमरूद दे दो। ठेले वाला, सारे सड़े हुए। पप्पू, हाँ, सारे खराब अमरूद दे दो। ठेले वाले ने सारे सड़े अमरूद एक थैली में भर दिए। पप्पू, अब इस थैली को साइड में रखो और साफ अमरूद में से 1 किलो पैक कर दो। ओके गूगल, तुम्हारी शादी हो गई? मैं जिस तरह से हूँ अच्छी हूँ, और वैसे भी मुझे आइसक्रीम साझा करना पसंद नहीं है। तो भाई साहब, गूगल को आइसक्रीम पसंद है, यानी कि आइसक्रीम को यह साझा नहीं करेगी किसी के साथ। आई होप दोस्तों आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज के व्लॉग में कुछ ज़्यादा नहीं था, और जैसे कि मैंने बोल दिया था कहीं बाहर जाना नहीं हो रहा, एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर भी मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको भी गूगल से कुछ क्वेश्चन करने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। जो मन चाहे वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई मैं गूगल से पूछूंगा। अगर गूगल के लिए कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर लिखिएगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।